हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। टाइम के मैनेज नहीं होने की वजह से मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्योर डिसीज़ बाय बैलेंसिंग 7 चक्रास। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमें एक पर्टिकुलर कलर जो है वो बहुत अट्रैक्ट करता है, तो वही कलर के कपड़े पहनने का आपको मन होता है, वही कलर आपको हर जगह पे दिखता है। तो आपको समझना है कि वो चक्र जो है वो आपका इनबैलेंस है। तो और वो चक्र के जो ऑर्गन है, रिलेटेड जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन में कुछ ना कुछ आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसलिए आपको वो कलर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये चक्र को हमें बैलेंस कैसे करना है और हम खुद ही हमारे डॉक्टर बन के हमारे डिसीज़ को क्योर कैसे कर सकते हैं, वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। अब ये 7 चक्रस है क्या? जैसे हम रेनबो में 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में एक 7 कलर्स का पावर है। जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स के कलर है, और अगर वो कलर में कुछ भी इनबैलेंस होता है तो हमारे वो ऑर्गन का काम स्लो हो जाता है, या तो हमें कुछ ना कुछ डिसीज़ आते हैं। आपने ज़्यादातर मेरे वीडियोस में देखा है कि मेरे पीछे ये फ्रेम लगी हुई है, तो जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ये फ्रेम को मैं मेरे साथ में रखती हूँ। मैं चक्रास थेरेपी में बहुत बिलीव करती हूँ, अपने बॉडी को क्योर भी मैं ये चक्रास थेरेपी से ही करती हूँ। कलर्स और चक्रास हमारे बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। ये एक मैजिक ट्रिक आप समझिए, ये बहुत ही सुपर टेक्निक है। अपना डॉक्टर हम खुद बन सकते हैं अपने बॉडी को ये 7 चक्रास से हील करके। तो ये 7 चक्रास को बैलेंस कैसे करना है, कैसे जानना है कि हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन प्रॉपर नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे जो पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र, यानी कि रूट चक्र। ये रूट चक्र का कलर है रेड कलर, और ये चक्र हमारे जेनाइटल एरिया के नीचे के पार्ट में लोकेटेड है। अभी ये जो चक्र है वो हमारी बॉडी का एक मेन पिलर है, मेन रूट है, और इस चक्र को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी काम करने का मन नहीं होना, ये सारी चीज़ें हमें होती है। बहुत जल्दी हम डर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आपको समझना है कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो इनबैलेंस है। और ये चक्र से रिलेटेड जो ऑर्गन है वो है आर्म्स, लेग्स, हमारी पूरी स्पाइन और सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हमें बैक का कोई इश्यू है, लोअर बैक का इश्यू, लेग्स और आर्म्स के पेन है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको समझना है कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो इनबैलेंस है। अभी हमें ये चक्र बैलेंस कैसे करना है? जैसे मैंने बताया कि इस चक्र का कलर है रेड, तो आपको रेड कलर को ज़्यादा अट्रैक्ट करना है। जब भी आप मेडिटेशन में बैठे तो आपको जेनाइटल एरिया के नीचे जहाँ पे ये चक्र लोकेटेड है वहाँ पे रेड कलर को विजुलाइज करना है। और ये चक्र भूमि तत्व से जुड़ा है, तो आपको बेयर फूट ग्रास पे, जो ज़मीन पे है वो चलना है। तो ज़मीन से अगर आपका पैर टच होता है तो ये चक्र बहुत ही इजीली बैलेंस हो जाता है। और इस चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ अ मेन पिलर ऑफ आवर बॉडी। अभी जो दूसरा चक्र है वो है सेक्रल चक्र, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र का कलर है ऑरेंज, और ये चक्र हमारे नेवल के 2 इंच के नीचे लोकेटेड है, यानी कि हमारे जेनाइटल एरिया के वहाँ पे। अभी ये चक्र जो अगर हमारा इनबैलेंस है तो हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, वो है सेक्सुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, इनफर्टिलिटी, किडनी रिलेटेड डिसीज़, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो ये चक्र पे
बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जो स्वादिष्टान चक्र है उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारी लाइफ का गोल सेट करना है। जो ये चक्र है वो क्रिएटिविटी का एक पावर है, तो हमें हमारी लाइफ में कुछ क्रिएटिव लाना है, कुछ पर्पस लाना है, हमारे माइंड को उसमें एक्टिव करना है, तो आपका ये चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने में, अगर आपकी क्रिएटिविटी में आप बिज़ी रहते हैं, तो हमारा सेक्रल चक्र जो है वो बैलेंस होता है। अभी इनफर्टिलिटी के लिए ये चक्र को हमें कैसे बैलेंस करना है, जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन में आपको वापस वहीं पे ऑरेंज कलर को विजुलाइज करना है, ऑरेंज कलर की चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, तो हमारा ये चक्र बैलेंस होता है। ये चक्र तीसरा जो चक्र है वो है सोलार प्लेक्सस, यानी कि मणिपुर चक्र। इस चक्र का कलर है येलो, और ये हमारे जो नेवल है उसके 2 इंच ऊपर ये चक्र लोकेटेड है। ये चक्र का डायरेक्ट कनेक्शन है सूर्य के साथ, तो अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आपको हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलती है, आप फियरलेस होते हैं, आपका मान सम्मान हर जगह पे होता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर ये चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो जैसे कि जैसा है उससे उल्टा होता है, मतलब हर जगह पे आपको फियर फील होता है, कहीं पे आपका मान सम्मान नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, ये सारी चीज़ें ये चक्र की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अभी ये चक्र के रिलेटेड जो ऑर्गन है वो है पेनक्रियाज, लीवर, पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन। अगर हमें डायबिटीज़ है, लीवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, हमें बहुत एसिडिटी रहती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, खाना अच्छी तरह से पाचन नहीं होता है, तो आपको समझना है कि हमारे सोलार प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र हमारा जो है वो इनबैलेंस है। अभी ये चक्र को हम बैलेंस कैसे करें, ये चक्र का डायरेक्ट कनेक्शन है सूर्य के साथ, तो आपको मॉर्निंग को सूर्य के दर्शन करने हैं, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट सनराइज़ के बाद आपको सूर्य के सामने खड़ा रहना है। सूर्य के सामने खड़े रहने से हमें विटामिन डी मिलता है, और एक बेनिफिट है जो सूर्य के सामने अगर हम खड़े रहते हैं तो उसकी रोशनी से हमारे जो 7 चक्रस है, सारे चक्र वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होते हैं। तो सूर्य दर्शन ये चक्र के लिए बहुत ज़रूरी है। कपाल भारती ये चक्र को बैलेंस करता है, कपाल भारती से जो हमारे नेवल के पोर्शन है वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है, हमारे स्टमक के पोर्शन में स्टिमुलेशन होता है, तो ये चक्र बैलेंस हो जाता है। अभी जो चक्र है वो है हार्ट चक्र, यानी कि चौथा चक्र, हार्ट चक्र, हृदय चक्र। ये चक्र का कलर है ग्रीन, और ये हमारे हार्ट के एरिया के वहाँ पे लोकेटेड है। ये जो चक्र है वो वायु तत्व से जुड़ा है, तो हमारे जो रिलेशनशिप है ये चक्र पे बहुत ही डिपेंडेंट है। हमारे लव, हमारे इमोशंस, ये हमारे जो मूड स्विंग्स है, एंगर, ये सारी चीज़ें ये चक्र से रिलेटेड है। अगर आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे नहीं हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, हर जगह से आपको प्यार में धोखा मिल रहा है, और आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपको समझना है कि आपका जो हृदय चक्र है, हार्ट चक्र है, वो इनबैलेंस है। अभी इस चक्र को हमें बैलेंस कैसे करना है, तो हमें लॉन्ग ब्रीथिंग लेना है। जब भी आपको ऐसे लगे कि बहुत ही ज़्यादा हम इमोशनल हो रहे हैं या तो बहुत ही बुरा फील हो रहा है, तो आपको लॉन्ग ब्रीथिंग करना है, इनहेल और एक्सहेल, लॉन्ग इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल करना है, तो ये चक्र हमारा बैलेंस होता है। ये चक्र का कलर है ग्रीन कलर, तो ज़्यादातर हमें नेचर के करीब रहना है, ग्रीनरी के करीब रहना है। ग्रीनरी के करीब रहने से, ग्रीन कलर को अट्रैक्ट करने से ये चक्र अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो नेचर के साथ ये चक्र का कनेक्शन है। हमें वायु रिलेटेड अगर जो प्रॉब्लम है कि हमें बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, तो आपको समझना है कि हमारा जो हार्ट चक्र है वो इनबैलेंस है, तो उसको क्योर करने के लिए हमें नेचर के करीब रहना है,
ग्रीन चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, लॉन्ग ब्रीथिंग इनहेल एक्सहेल करना है, कपाल भाति से भी ये चक्र बैलेंस होता है, तो ऐसे आप नेचुरल वे से हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अभी पांचवा जो चक्र है वो है थ्रोट चक्र, यानी कि विशुद्ध चक्र। थ्रोट चक्र हमारे गले के जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे लोकेटेड है, हमारे गले के वहाँ पे ये चक्र लोकेटेड है और इस चक्र का कलर है ब्लू कलर। ये चक्र हमारे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है, स्पीच को डेवलप करता है। ये चक्र इनबैलेंस होता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है, आप अच्छी तरह से अपने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, आपकी स्पीच अच्छी नहीं होती है, आप क्लियरली बोल नहीं पाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको समझना है कि आपका थ्रोट चक्र जो है वो इनबैलेंस है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं उनका ऑलमोस्ट ये चक्र इनबैलेंस होता है। तो थ्रोट चक्र जो है वो टोटली डिपेंडेंट है हमारे कम्युनिकेशन स्किल के लिए। तो इस चक्र को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम आपको प्रॉपरली सीख के करना है, जिसमें हम भंवरे के जैसा आवाज़ हमें हमारे मुंह से निकालना है और ये प्राणायाम से ये चक्र अच्छी तरीके से बैलेंस होता है। अब जो छठा चक्र है, सिक्स्थ चक्र, वो है थर्ड आई चक्र, यानी कि हमारे हेड के सेंटर पे, जहाँ पे हमारे दो आईब्रोज है उसके बीच का सेंटर जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वो चक्र है थर्ड आई चक्र। इसको हम अजना चक्र भी बोलते हैं। थर्ड आई चक्र हमारे माइंड और बॉडी का कनेक्शन है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है जिससे हमारे स्पिरिचुअल लेवल बढ़ते हैं, हमारा इंट्यूशंस पावर स्ट्रांग होता है, हमारे टेलीपैथी पावर स्ट्रांग होते हैं। तो ये चक्र जो मेडिटेशन रेगुलर बेस पे करते हैं उनका ये चक्र ऑलवेज बैलेंस होता है। हम बोलते हैं ना कि शिव जी की तीसरी नेत्र, तो हमारे भी आईब्रोज के सेंटर में ये थर्ड आई चक्र, मतलब कि तीसरा जो इंद्रिय है वो एक्टिवेट है, पर हमें उसे एक्टिवेट अच्छी तरीके से करना है। वो हम कैसे कर पाते हैं? हम गुरु का ध्यान करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा ये चक्र बैलेंस होता है। प्रेयर से, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से हमारा ये चक्र बैलेंस होता है। ये चक्र के इफेक्टेड ऑर्गन है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्लैंड हमारे हॉर्मोन्स प्रोडक्शन में हमारा हेल्प करती है। तो ये ग्लैंड को ये थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ बेस ऑफ ब्रेन। तो ये ग्लैंड में अगर हमारे हार्मोनल हमें कुछ इश्यूज है, हार्मोनल इनबैलेंस है, तो हमें हमारा थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना है। साइनस का अगर हमें प्रॉब्लम है तो हमें थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना है। आइज रिलेटेड कुछ इश्यू है तो आपको समझना है कि थर्ड आई चक्र इनबैलेंस है तो हमें वो अच्छी तरीके से बैलेंस करना है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, प्रेयर से, मेडिटेशन से ये चक्र बहुत ही ईजिली हमारा एक्टिव होता है। जो सातवा चक्र है वो है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र यूनिवर्स का जो कनेक्शन है हमारे बॉडी के साथ, तो वो ये चक्र से होता है। ये चक्र लोकेटेड है हमारे सेंटर ऑफ द हेड, मतलब कि हेयर के बीच में जो सेंटर है वहाँ पे ये चक्र लोकेटेड है। ये चक्र का कलर है पर्पल कलर और एक डिवाइन वाइट लाइट जो हमारे यूनिवर्स से, एक पावर जो हमारे बॉडी में एंटर होता है वो ये क्राउन चक्र से होता है। अब ये चक्र इनबैलेंस कब होता है? जब कोई इंसान बहुत ही बुरा क्राइम करता है, अपने माँ बाप का इररिस्पेक्ट करता है, अपने गुरु का इररिस्पेक्ट करता है, तभी ये चक्र इनबैलेंस होता है। तो ये चक्र को जो कनेक्टेड ऑर्गन है वो है पिनियल ग्लैंड और नर्वस सिस्टम। पिनियल ग्लैंड जो है वो हमारे स्लीप पैटर्न को मेंटेन करती है। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आपको ये चक्र, जो क्राउन चक्र है, उसको बैलेंस करना है। ये चक्र बैलेंस होता है हमारे अच्छे कामों से। हमें बहुत ही अच्छे काम करने हैं, लोगों की हेल्प करनी है,
हमारे माँ बाप की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, मेडिटेशन करना है, जिनको ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद को हेल्प करना है। ये सारी गुड वर्क करके हम क्राउन चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। प्राणायाम से ये चक्र बैलेंस होता है, मेडिटेशन से ये चक्र बैलेंस होता है। और जब भी आप मेडिटेशन में बैठे, एक वाइट लाइट आपके पूरे बॉडी को एकदम हेल्दी कर रही है, ये आपको विजुलाइज़ करना है। और पर्पल कलर को आपको विजुलाइज़ करना है, तो आपका क्राउन चक्र बैलेंस होता है। फ्रेंड्स, ये चक्रास थेरेपी से मैंने ट्राई किया है कि मैं सिंपली और बहुत ही क्लियरली आपको जो 7 चक्रास थेरेपी है वो समझा सकूँ, आप खुद ही अपने डॉक्टर बन के खुद ही अपने बॉडी को क्योर कर सके। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन। आप बेल आइकॉन हिट करेंगे तो आप मेरे एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड विथ माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।